हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपको स्वागत करता हूँ अजय टेक्निकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। हैप्पी न्यू ईयर माय ऑल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 2024 में ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी को 2024 की शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक इंडक्शन रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। और जो इंडक्शन है ये प्रेस्टीज का इंडक्शन है और मॉडल रियो मॉडल 1200 वाट का। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, आइए चेक करके देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए और हमारी ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आइए चेक करके देखते हैं। सीरीज में सप्लाई दिया हूँ और जो एरर का प्रॉब्लम है, देखिए E9 एरर आ रहा है। डायरेक्ट सप्लाई लगा के चेक की थी और E9 प्रॉब्लम आ रहा था और अंदर से कुछ स्मेल कर रहा था, बर्निंग का स्मेल आ रहा था, इसलिए मैं सीरीज में सप्लाई लगा के चेक किया। फिर से वो E9 भी आ रहा है। देखिए, आइए ओपन करके देखते हैं पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है और क्यों E9 एरर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पीसीबी को मैं पूरा ओपन कर दिया हूँ और इसमें सप्लाई लगा के चेक करूँगा सीरीज में, और जो वोल्टेज कितना आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब पता चलेगा। और मैं अभी सप्लाई दे रहा हूँ सीरीज में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 220 समथिंग वोल्टेज आ रहा है। इसमें दोनों पॉइंट में 330 से ऊपर वोल्टेज, मतलब 333 की वोल्टेज आना चाहिए। इसमें 220 आ रहा है, मतलब बहुत वोल्टेज कम आ रहा है। देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, ये जो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है, ये दोनों पॉइंट में 300 समथिंग वोल्टेज आना चाहिए और इसमें अभी 220 वोल्टेज आ रहा है। ये कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। पहले जो 4.7 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, उसका हम चेंज करके देखते हैं। कैपेसिटर को लगाने के बाद में भी हम चेक करेंगे कितना वोल्टेज आया। आइए कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा फूल गया है और ये मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4.7 और 450 वोल्टेज लिखा है। मैं अभी ये रिप्लेस कर देता हूँ और करने के बाद फिर से वोल्टेज चेक करके देखेंगे सही हुआ कि नहीं। कभी कभी हाई वोल्टेज आने से ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा फट जाता है, नहीं तो ये कभी कभी फूल भी जाता है। इसके वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और मैं ये रिप्लेस करने के बाद चेक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैं कैपेसिटर को लगा दिया हूँ और दोबारा सप्लाई में देख के चेक करता हूँ और कितना वोल्टेज आया मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये जो ब्रिज का है दोनों पॉइंट में चेक कर रहा हूँ, 220 समथिंग वोल्टेज आ रहा है। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ वोल्टेज। और एक जो कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड का, ये पॉइंट देखिए, ये मैं अभी वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ, 220 समथिंग आ रहा है। ये कैपेसिटर को मैं अभी चेंज करके देखूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है पूरा सही दिख रहा है, मतलब कोई ब्रस्ट जैसा या फूलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और मैं इसको तो चेंज करके आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा।
देखिए ये जो कैपेसिटर था मैं अभी रिप्लेस कर दिया हूँ और वोल्टेज चेक करके आपको अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं सीरीज में सप्लाई दिया और जो ब्रिज का वोल्टेज है वो 338-37 समथिंग आ रहा है। देखिए 338 आ रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर चेंज करने के बाद देखिए वोल्टेज बढ़ गया है। ये दोनों कैपेसिटर की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था और ये देखिए 338-37 आ रहा है। और जो ये भी जो 4.7 का कैपेसिटर है ये दोनों पॉइंट में भी 335 आ रहा है। देखिए ये सही वोल्टेज अभी दिखा रहा है और मैं अभी इसको फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ और ये सही हो गया या और कुछ प्रॉब्लम एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। आइए फिटिंग करके हम अभी देखेंगे। देखिए मैं अभी ये फिटिंग कर दिया हूँ और ये सीरीज में लगा के चेक करके देखते हैं ये सही हुआ या और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए मैं सीरीज में ऑन कर रहा हूँ, E0 आ रहा है ये और मैं उसके ऊपर बर्तन रख रहा हूँ। देखिए इसमें 1200 वाट आ रहा है और जो सीरीज का बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, मतलब सेंस ले रहा है। और देखिए ये जो E9 प्रॉब्लम था ये नहीं आ रहा है। अभी हम डायरेक्ट सप्लाई दे के चेक करके देखेंगे पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं डायरेक्ट सप्लाई दे रहा हूँ और चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऑन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स ये सही से काम कर रहा है और ये जो प्रॉब्लम था E9 वो अभी सही हो गया है, ये पूरी तरह ठीक हो गया है। फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।